आज कालांश में समस्त स्वागत। आज आम पढ़ा गुणनियोग और गुणितक। चबिश के संख्या द्वारा विभाज्य प्रथम जाणवा। चबिश एक चबिश, तीन अष्टा चबिश, छ चौ चबिश, बार दुगुणे चबिश। तेणु चबिश टी एक द्वारा विभाज्य, चबिश द्वारा विभाज्य, तीन द्वारा विभाज्य, आठ द्वारा विभाज्य, छः द्वारा विभाज्य, चार द्वारा विभाज्य, बार द्वारा विभाज्य, दुई द्वारा विभाज्य। तेणु एठार एक दुई तीन चार छ आठ बार चबिश होउछि चबिश रो गोटे गोटे गुणनियोग। सेहीपरि देख छत्तीस गुणनियोग गुड़िक जाणवा। छ छ छत्तीस, न चौ छत्तीस, बार तीन छत्तीस, अठर दुगुणे छत्तीस, छत्तीस एक छत्तीस। तेणु एठार एक दुई तीन चार छ बार अठर छत्तीस छत्तीस गुणनियोग अटंती। प्रत्येक संख्या तार गुणनियोग मानक द्वारा संपूर्ण रूपे विभाज्य होता है। एठार अणतीस केवल दुईट गुणनियोग अच्छी एक और अणतीस, अणतीस एक और अणतीस द्वारा ही विभाज्य। तेणु यह एक मौलिक संख्या। तेणु जो संख्यार केवल दुईट गुणनियोग थाए ता एक मौलिक संख्या। उक्त तालिकार एक रु शहे मध्य मौलिक संख्या और जौगिक संख्या चिन्हित कर गुणनियोग गुड़िकाई। जो संख्यार केवल दुईट लेखाएं गुणनियोग अच्छी सेगुड़िक मौलिक संख्या और जो संख्यार दुईट रु अधिक गुणनियोग अच्छी सेगुड़िक जौगिक संख्या अटे। भलसे यही तालिका गुड़ी लक्ष्य कर। प्रथम देख प्रत्येक संख्यार क्षुद्रतम गुणनियोग एक लेखा जा बृहत्तम गुणनियोग से ही संख्या लेखा जा। तेणु यही चार्ट रु आम जाणिले प्रत्येक संख्यार क्षुद्रतम गुणनियोग एक और बृहत्तम गुणनियोग से ही संख्या। और एठार एक रु शहे मध्य पचीस मौलिक संख्या दि जाए। जाणी गुणितक। प्रथम देखा दुई गुणन एक दुई, दुई गुणन दुई चार, दुई गुणन तीन छ, दुई गुणन चार आठ, दुई गुणन पाँच दस। एठार जो दुई को एक दुई तीन चार पाँच छ द्वारा गुणन करागला गुणफल गुड़िक कौन पाइले दुई चार छ आठ दस। यही पांचटी गुणफल को दुईर गुणितक बोली कह जाए। यहीपर आम असंख्य गुणितक पाई दुई को जदि आम एगार बार तेर यहीपर संख्या द्वारा गुणन करवा आम दुईर गुणितक पाइबा। प्रत्येक संख्यार क्षुद्रतम गुणितक हेउछि से निजे। दुई को प्रथम आम एक द्वारा गुणिले दुई पाइले तेणु दुई हेउछि दुईर क्षुद्रतम गुणितक। किंतु एठार बृहत्तम गुणितक आम कहीपर ना। तेणु देखा छर गुणितक गुड़िक छ के छ, छ दुगुणे बार, छ तीन अठर, छ चौ चबिश, छ पंचा तीस, छ छ छत्तीस, छ सत्ता बयालीस, छ अष्टा अड़चाश, छ नुआ चौवन, छ दशा षाठी। यहीपर दसटी गुणितक बाहर करें। यहपर एगार द्वारा गुणिले बार द्वारा गुणिले छर असंख्य गुणितक पाई। तेणु यही पाठ आम जाणिले प्रत्येक संख्यार क्षुद्रतम गुणनियोग एक, प्रत्येक संख्यार बृहत्तम गुणनियोग से ही संख्या, प्रत्येक संख्यार क्षुद्रतम गुणितक से ही संख्या, प्रत्येक संख्यार बृहत्तम गुणितक कहीहब ना, प्रत्येक संख्यार निर्दिष्ट संख्यक गुणनियोग थाए, प्रत्येक संख्यार असंख्य गुणितक थाए। यहार परवर्ती कालांश में आम लसागु निर्णय विषय जानिबा।